आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं फहीम अहमद। मेरे साथ इस वक्त DPAP के कैंडिडेट आमिर भट्ट साहब है। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि श्रीनगर सीट को कैसे देखते हैं, क्योंकि PDP के कैंडिडेट जो है वो दावा करते हैं कि श्रीनगर की सीट हमारी होगी, और पिछले 70 सालों की अगर बात करें तो लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। तो आपकी पार्टी, आपका जो मैनिफेस्टो है, क्या कुछ रहेगा? देखिए, आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब भी दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। आप भी, आपको भी पता है जो 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, तो इससे सीधा पता है कि इंशाल्लाह इस बार लोगों को वोट किसको देना है, बाल्टी को देना है, उसके बगैर कोई चॉइस नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस बार 70% वोटर्स नए होंगे, वो दो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के साथ होंगे और आज़ाद साहब के साथ। कुल मिला के अगर बात करें तो ये इलेक्शन जो है सबसे बड़ा इलेक्शन माना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पिछले 10 सालों से कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पर जो है डाउनटाउन को, अगर डाउनटाउन की बात करें तो खाली स्मार्ट सिटी दिखाई दी, तो क्या कुछ करेंगे? अगर आप इस वक्त भी डाउनटाउन जाएंगे तो आपको कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे डाउनटाउन को खाली क्रॉस करने में, जो इस वक्त रूटीन किया। स्मार्ट सिटी जो बनी वो अब उखड़ रही है, वो शायद फिर से और एक कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, फिर से बन जाएगा। हमारा इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी, जो आज़ाद साहब ने एक अपनी इमेज कायम करके रखी है, जो 2.5 साल उनके अब भी इनके 70 साल से भारी पड़ते हैं, इंशाल्लाह उससे अच्छा काम करेंगे। क्योंकि अगर बात करें बाकी पार्टीज की, जैसे फारूक अब्दुल्ला जो बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, दावा हमेशा करती है, हर एक इलेक्शन में दावा करती है कि हम जी लोगों की पहचान है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात करें तो काफ़ी रसाकशाई जो है दो पार्टियों में है, किस तरह देखें? देखिए, उन पार्टियों का मुद्दा और मकसद यही होता है कि दूसरी पार्टियों के मुद्दे बने, मगर हमारे मुद्दे खाली डेवलपमेंट है, हमारे मुद्दे हैं बेरोज़गारी देखनी है, हमारे मुद्दे हैं इलेक्ट्रिकल बिल्स देखिए आज क्या आ रही हैं, किस तरीके से हाइक हुआ है अचानक से, पानी कहाँ है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे उनके जैसे मुद्दे नहीं हैं कि हमें दूसरी पार्टियों को लेना, हम अपने मुद्दों पे बात। आखिर में यूथ के साथ क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि आप नामांकन पत्र जो है आज भरने जा रहे थे? देखिए, मेरा वाबस्ता पॉलिटिक्स के बगैर टूरिज़्म से, जितने भी हमारे टूरिज्म सेक्टर के भाई लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, वॉलीबॉल का मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी अपनी वॉलीबॉल कैडर से गुजारिश रहेगी कि घर घर ये खबर पहुँचाइए कि ये मेरी जंग नहीं है, ये नौजवानों की जंग है, आपने लड़नी है, आपने जीतना है, इसमें कोई आमिर भट्ट नहीं है, ये नौजवानों की जंग है। तो मुझे पूरा यकीन है नौजवान खुद अपने आप को जीत के दिखाएंगे। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात करने के लिए थे आमिर भट्ट। इनका यही कहना है कि यूथ आगे आएगा, जो 70 सालों से वोट नहीं डाल रहे थे वो अब आज की बार हमें वोट करेंगे, ये हमें पूरा यकीन है। यंग बर्ड्स के लिए फहीम अहमद, श्रीनगर।